नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज़। में हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर गोंडा जनपद के प्यागपुर नवबस्ता वजीरगंज से है, जहां एक ऐसा सार्वजनिक मेला जो जनता के हित में हर वर्ष जनवरी में लगता चला आ रहा है। बताते चले कि इस मेले की शुरुआत पांच कुंडी हवन यज्ञ से देवताओं का आह्वान करके किया गया। इस मेले में गरीब, असहाय, आम जनमानस और किसानों को नाना प्रकार की सुविधाएं जैसे दवा, इंजीनियरिंग कैंप, बैंक के ऋण संबंधी कार्य, वकीलों से सलाह लेने का कैंप, सरकार द्वारा चलाई गई योजना उज्ज्वला गैस कैंप लगाकर दिया जाता है और विद्युत बिल से संबंधित या नया कनेक्शन हेतु सुविधा भी दी जाती है। खादी ग्राम उद्योग के कैंप आदि की सुविधा मेले के माध्यम से लोगों को दी जाती है। लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से इस वर्ष मेले का पूर्व रूप से आयोजन नहीं हो सका। एक तो कोरोना और दूसरी ओर आचार संहिता दोनों को देखते हुए मेला प्रबंधक डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा और उनकी बहन डॉक्टर आरती श्रीवास्तव और भूतपूर्व प्रधान नवबस्ता डॉक्टर अनंता रजत कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर कृष्णा सिन्हा वर वधु आशीर्वाद योजना के तहत इस जनहित मेले में दो जोड़ी शादी कराने का संकल्प मेला प्रबंधन डॉक्टर दीपक सिन्हा ने लिया, जो आने वाले दिनों में मेला प्रांगण में संपन्न होगा। चलिए सुनते हैं डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, जो कि मेला प्रबंधक है, उनका इस मेले और इन सभी सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहना है। सहायता दी गई है, एजुकेशन बेनिफिट दिए गए हैं और साथ में बिजली के कनेक्शन कराए गए हैं, विद्युतीकरण कराया गया है। और ये गांव में ही पहले एक कोल फैक्ट्री लगाई गई थी, अब दूसरा एलईडी प्लांट भी लगाया गया है कि जिससे बच्चों को सिर्फ खेती पर ही ना निर्भर करना पड़े, उनको साथ साथ कोई और आय, तकनीकी आय का भी एक साधन रहे। जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि काफी सारे प्लांट्स, काफी सारी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं जो लोगों के हित में है, अब उनके पास एक तकनीकी आय का साधन होगा और ऐसे ही वो आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे, उन्हें सुविधा प्रदान करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।